अगर आप सबको याद हो, मेरी एक डिबेट हुई है सालिम शेख के साथ। अगर आपने नहीं देखी तो उस डिबेट को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक है। मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने आप को स्कॉलर कहते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये स्कॉलर हैं या नहीं हैं। टू गेट द अपडेटेड वीडियोज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपनी कुछ रीसेंट वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं। डिबेट से पहले ये बहुत अच्छे थे, जब इन्होंने देखा डिबेट हार गए हैं फिर उन्होंने बहुत सारी गालियाँ दी हैं मुझे, तो मैंने चाहा क्यों ना इनको एक रिप्लाई कर दिया जाए। पहले चल के सुनते हैं थोड़ा सा क्लिप इनकी वीडियो का जो इन्होंने डिबेट किया मेरे साथ, और फिर आप एंड में उसका लिंक भी देखेंगे, पूरी डिबेट देखिएगा। और आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ज़रूर अपने राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया। लेकिन कुरान और हदीस तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और मेरे पास बुक्स हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। मतलब नहीं बुक्स, मतलब नहीं, अच्छा तो मेरे तो जिंदगी बीत गई है। मतलब नहीं इस्लामिक बुक्स, लेकिन मतलब नहीं कुरान और हदीस खाना काबा से मतलब नहीं बुक्स ला कर, नहीं बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्न माजा सुनन अबी दाऊद सुनन से और भी कई दीगर बुक्स हैं। मतलब नहीं तो सही। स्टडी की हुई है, मतलब नहीं। और कितने साल की आपकी स्टडी है इस्लाम की? कितने साल की है सरकार, वो तो बचपन से लेके अभी तक ही हम लोग स्टडी करते ही रहते हैं। हम लोग बात याद रखना, ठीक है ना, और आइंदा के बाद इस बंदे के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, ये मैं खुली बात में करूंगा, ठीक है ना। इस बंदे के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, ना उसका मेरे साथ कोई तल्लक है, लेकिन इसके साथ अगर लाजमी बात करनी है तो फिर मेरे ख्याल से किसी आलम शख्सियत को बुलाओ ताकि उसके साथ बात करें। अगर सालिम शेख ने मुझे गालियाँ नहीं दी होती तो मैं उनके पर्सनल मैसेजेस नहीं दिखाता पब्लिक को। सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह आप मेरे तरले कर रहे हैं कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ना लगाऊं। और उसके बाद मैंने जब मना किया और आपको मैसेजेस किए, फिर कॉल करने के लिए डिबेट किए, तो आपका मैसेज आया बिजी बडी। आई थिंक आप लिखना चाह रहे होगे BUDDY। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामिक इंजीनियर रिप्लाई कर रहा है सालिम शेख को। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, आपने मेरी नस्लों को गालियाँ दी जो कि अभी तक है नहीं, बट फिर भी आपने गालियाँ दी। मगर मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने आज तक मेरे से किसी के भी बारे में, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर हो आप हैं जो भी है, कभी भी किसी के लिए कोई गलत बात नहीं सुनी होगी, बट आपने बहुत सारी गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा लान तान की। बट मैं आपके लिए और आपके नस्लों के लिए बेशुमार बेशुमार दुआ मांगता हूँ और खुदा ताला से बहुत सारी बरकतें मांगता हूँ, और मैं बहुत सारी दुआ करता हूँ आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए कि वो हमेशा खुश रहें और हंसते खेलते रहें। आपने जो सीखा आपने मुझे बता दिया, आपकी किताब में आपने जो सीखा आपने वो मुझे बताया, जो मैंने अपनी किताब से सीखा वो मैंने आपको बता दिया। मैंने ये सीखा इसलिए मैंने आपके लिए दुआ की। एनीवेज, आपने लानत दी, बहुत ज़्यादा लान तान की, मगर आपकी लानत कभी लगती नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान 5 बार अपनी नमाज के वक्त यहूदी और नसारत पे लान तान करता है, मगर आज तक किसी भी मुसलमान की दुआ कबूल नहीं हुई हो। आज इस टाइम दुनिया में आप रिसर्च कर लें, आपको हर रिसर्च सोर्स से पता चलेगा कि दुनिया की सबसे मजबूत कम्युनिटी इस टाइम मसीहों की है, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं वो। इस बात से पता चलता है कि किसी भी मुसलमान की लानत देने से दुआ पूरी नहीं होती। इसका रीज़न आप अच्छी तरह जान चुके हैं, इसकी वजह आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सोचें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अल्लाह आपकी दुआ क्यों नहीं सुनता, क्योंकि जिंदा खुदा लानत देने के लिए दुआ नहीं बताता। आपने बोला कि आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, फिर भी आपने मेरे लिए वीडियो बना दी। अब मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि आपने मुझसे डिबेट की है, वरना मैं समझा शायद आप बोलेंगे कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिबेट की है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अगर खुश हैं अपनी डिबेट से, तो आप अपनी डिबेट जो आपने मेरे साथ की है मेरे चैनल से लेकर अपने चैनल पर पोस्ट करें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मेरा चैलेंज हार गए। जहाँ तक आपके बिब्लिकल क्वेश्चंस की बात है, तो मैं वीडियो वीडियो नहीं खेलता। जैसे आपने एक वीडियो बनाई, सामने वाले ने एक और वीडियो बनाई, फिर आपने वीडियो बनाई, आपके पास बेशक बहुत टाइम है,
मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप एक वक्त डिसाइड करें, टाइम डिसाइड करें, मैं आपको कॉल करूंगा, आप अपनी रिकॉर्डिंग करें, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूंगा। मैंने आपको खुद रिकॉर्डिंग करना सिखाई है अपनी पिछली डिबेट में, शायद आपको याद हो। आप रिकॉर्डिंग करें और फिर वो पोस्ट कर दें। मेरे दोस्त, गाली मत दीजिए, मैंने कभी भी आपको गाली नहीं दी, ना कभी किसी और स्कॉलर को गाली दी है, और ना कभी मैंने गाली देकर किसी के मज़हब के लिए बात की है। जो इंसान किसी के मज़हब के लिए गाली देकर बात करे, मैं उस इंसान को समझता हूँ वो गलत कर रहा है। प्यारे दोस्त, अगर हिम्मत है तो मैदान में आके बात करें, मैं मैदान में आके बात करता हूँ। टाइम बताएं, डेट बताएं, डिबेट करते हैं। अब जब मैं आपको कॉल करूँ तो मेरी कॉल रिसीव करें, बराए मेहरबानी बिज़ी बॉडी लिख के मुझे मत भेजें। मैं आपको जब भी कॉल करता हूँ आप मेरी कॉल उठाते नहीं और मुझे लिख देते हैं बिज़ी बॉडी। मैं जानता हूँ आपकी बॉडी बहुत बिजी है, बट आपकी बिजी बॉडी का मैं क्या करूँ? जो बाइबल का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं आप करें, और मैं अपनी तरफ से जो आपके ईमान के हिसाब से क्वेश्चन करूँगा वो करूँगा। इल्म का आपका तब पता चलेगा जब आप उसी वक्त जवाब दे सकेंगे। आप मुझसे सवाल पूछें, मैं आपको उसी वक्त जवाब दूंगा। डिबेट के लिए रेडी रहिए, आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें तो सालिम शेख साहब क्यों ना एक राउंड टू हो जाए।